हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं किशन प्रजापति आप सबका इस YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूँ। पहले एपिसोड में मैंने बताया था कि बांसुरी में से कैसे आवाज़ निकाले, तो वो सब आपने प्रैक्टिस की होगी। अभी हम दूसरे एपिसोड में जा रहे हैं। दूसरे एपिसोड में मैं सिखाऊंगा कि बांसुरी की प्रॉपर पोजिशन क्या होती है, कैसे बांसुरी को पकड़े। बहुत लोग गलत तरीके से बांसुरी पकड़ते हैं, बाद में बहुत प्रैक्टिस करते हैं पर कुछ रिजल्ट नहीं मिलता उसका। और दूसरी बात कि बांसुरी में से सात सुर यानी सारेगामा पधनी सा कैसे बजाए। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बांसुरी की प्रॉपर पोजीशन क्या होनी चाहिए, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, उसके तीन फिंगर्स। ये मेरा राइट हैंड है, उसके तीन फिंगर्स। ये छह फिंगर्स का बांसुरी में उपयोग होगा। और ये जो दो थम है, दो अंगूठे हैं, उसका बांसुरी में सपोर्ट के लिए उपयोग होगा। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पर यहाँ से हम बांसुरी बजाते हैं, यहाँ पर वुड रखते हैं, तो वहाँ से लेके जो ये पहला होल आता है, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो उसकी पहली फिंगर यहाँ पर आएगी, दूसरी फिंगर यहाँ पर आएगी, तीसरी फिंगर यहाँ पर आएगी। ओके दोस्तों, अभी राइट हैंड है, तो राइट हैंड की पहली फिंगर यहाँ पर आएगी, दूसरी फिंगर यहाँ पर आएगी, तीसरी फिंगर यहाँ पर आएगी। दोस्तों बात रही दोनों अंगूठे की, जो लेफ्ट हैंड है उसका अंगूठा, ये जो होल है आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये होल के नीचे ये अंगूठा आएगा। दोस्तों राइट हैंड का अंगूठा है वो यहाँ पर आएगा, ये होल के नीचे, यानी 1 2 3 और फोर्थ जो चौथा नंबर का होल है उसके नीचे बिल्कुल। तो दोस्तों ये प्रॉपर हुई बांसुरी की पोजिशन। ऐसे बांसुरी को पूरा पकड़ना है। ओके दोस्तों, अभी आगे बढ़ते हैं कि बांसुरी में से सात सुर कैसे निकाले। तो आप नीचे देख सकते हैं, वहाँ पर फोटो एक आएगा, वहाँ पर जो मैंने होल पूरे हुए हैं कलर से वो बंद रहेंगे, यानी वहाँ पर हमारी फिंगर्स रहेंगी, तो वो सुर जो लिखा हुआ है वो बजेगा। ओके दोस्तों, पहले सात से शुरुआत करेंगे हम। तो हमारा लेफ्ट हैंड है, उसकी तीन फिंगर्स यहाँ पर रहेगी, ये पूरा सा होगा हमारा, सा बजेगा यहाँ से, और जो बाकी तीन होल है वो खुले रहेंगे, केवल अंगूठा का यहाँ पे सपोर्ट रहेगा। ये सा हुआ दोस्तों। अभी ये जो तीसरी फिंगर है लेफ्ट हैंड की, उसको उठाना है, ये रे होगा। बाकी को जो नीचे के होल है वो खुले रहेंगे दोस्तों, ये रे हुआ, तभी ग के होल जाएंगे। दोस्तों ये ग हुआ, ग में भी 1 2 3 4 5, ये जो फाइव होल्स हैं वो खुले रहेंगे। ओके दोस्तों, म की ओर जाएंगे। म में बहुत ध्यान रखना है, बहुत लोग गलती करते हैं, यहाँ पे शुद्ध म बजाना है। तो कैसे बजाना है शुद्ध म, ये जो होल है यहाँ से लेके ये पहला वाला, तो ये आधा ही खुलेगा, पूरा खुलेगा तो तीव्र म हो जाएगा। मैं आगे एक एपिसोड बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा तीव्र सुर कौन सा है, शुद्ध सुर कौन सा है और कोमल सुर कौन सा है। अभी जो हम बजा रहे हैं वो शुद्ध स्वर है। ओके दोस्तों, ये जो म है वो बिल्कुल आधा ही खुलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। बहुत ध्यान से बजाना है, थोड़ा कठिन है पर प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल सरलता से आ जाएगा। बाकी को जो होल्स हैं वो खुले रहेंगे। ये दोस्तों म हुआ, बाद में प की ओर जाते हैं। प में दोस्तों सभी फिंगर्स, सभी होल्स बंद रखना है, और थोड़ा फूंक आपको थोड़ा जोर से लगाना है, एक बार चेक करना है कि कोई भी होल थोड़ा सा भी खुला हुआ तो नहीं है। बहुत ध्यान रख के ये प बजाना है, थोड़ा टाइम लगेगा म और प में, ऊपर के जो नोट्स है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों बजाने में, प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। एक बार देखिए,
पर हुआ दोस्तों, अभी ध की ओर जाएंगे। ध में जो हमारा राइट हैंड है उसकी जो ये तीसरी फिंगर है वो खुली रखनी है, तो ध बजेगा। दोस्तों अभी नी की ओर जाएंगे, नी में लास्ट वाली जो दो होल है उसको खुला रखना है और ये नी बजेगा। जो पहली फिंगर है लेफ्ट हैंड की वो यहां पर रहेगी। दोस्तों ये नी हुआ अभी सा की ओर, जो हमने पहले जो सा बजाया था वो ही वहां पर ही वो स्थिति में सा बजेगा, पर थोड़ी फूंक जोर से लगाना है। बस दोस्तों ऐसे ही आप फ्लूट में सारे गम पद सा बजाइए। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। आप रोज प्रैक्टिस कीजिए, हर रोज बैठिए प्रैक्टिस के लिए, फ्लूट में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। दोस्तों मैं तीसरे एपिसोड में लेके आऊँगा कि बांसुरी में अलंकार कैसे बजाते हैं। अगर आप दूसरा एपिसोड कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट प्रैक्टिस करते हैं, तभी आपको तीसरा एपिसोड में प्रवेश कर पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।